नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रमीर सिंह। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास जिले से सामने आ रही है, जहां पर राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला रोहतास जिले के करगर थाना क्षेत्र का है। करगर के डिहरा गांव का मामला है, जहां पर राजद के नेता को गोली मारकर सुबह सुबह हत्या कर दी गई है। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, लोग दहशत में हैं। और वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर ली है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि डिहरा गांव में पूर्व प्रखंड प्रमुख विजेंद्र यादव को सुबह सुबह अपराधियों ने गोली मार दी है। पूर्व प्रमुख की हत्या के बाद क्षेत्र में आग की तरह फैली और मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल सासाराम भेजने की तैयारी में है। स्थानीय लोगों के अनुसार सहदैया नदी के किनारे नीम डिहरा गांव में पूर्व प्रमुख अपने खेत में खाद डलवा रहे थे, तभी अपाची बाइक पर दो लोग पहुंचे और उन लोगों ने प्रमुख को प्रणाम किया, फिर नजदीक से फायरिंग कर दी। प्रमुख को दो गोली लगी और मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार वहां से भाग निकले। लोगों ने बताया कि दोनों अपराधियों ने अपने चेहरे को गमछे से बांध रखा था। बताते हैं कि विजेंद्र सिंह पर 5 साल पहले भी करगहर बाजार में सेमरी मोड़ के पास हमला हुआ था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। आपको बता दें कि पूर्व प्रमुख के करघर स्थित निवास पर हत्या की खबर से कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं करघर में भारी आक्रोश है। आपको बताते चलते हैं कि विजेंद्र यादव की क्षेत्र में राजनीतिक रूप में अच्छी पकड़ थी। उनकी पत्नी एक बार जिला पार्षद रही हैं और वो अभी वर्तमान में पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में यह जो खबर है, बड़ी खबर है, क्योंकि रोहतास में राजद नेता की सुबह सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। काफ़ी भारी के संख्या में जो लोग हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और लोगों को मनाने का जो प्रयास है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा शव को कब्जे में कर लिया गया है और जो पुलिस है अपराधियों की पहचान में जुटी है और उन्हें पकड़ने के लिए पूरे ज़िले की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और हर जगह छापेमारी भी शुरू हो गई है। घटना के बाद जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि सुबह सुबह अपराधियों ने राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।